हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिसेंथेमम को, यानी गुलदाउदी को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं मॉनसून के सीजन में। जैसे कि आजकल बारिश हर जगह हो रही है, हर सिटी में बारिश हो रही है, और फ्रेंड्स इस समय अगर आप क्रिसेंथेमम को कटिंग से ग्रो करते हैं तो बहुत ही इजी वे में वो ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रिसेंथेमम को कैसे ग्रो करते हैं देखते हैं, इसको कैसे मुझे लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं कुछ कटिंग्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। ये मेरा मदर प्लांट है पिछले साल का। पिछले साल भी मैं ऐसे कटिंग से ही ग्रो करी थी, और फ्लावरिंग के बाद, सीजन ऑफ होने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया है, और इस बार भी मैं इसको कटिंग से ग्रो करने वाली हूँ। और इस प्लांट पे मेरे पर्पल कलर का फ्लावर्स आता है, और बीच में उसके येलो कलर रहता है, और साइड से पर्पल कलर का फ्लावर्स रहता है। अगर आपको मैं इस प्लांट का फ्लावर्स देखना है तो इस वीडियो पिछले साल की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से वॉच कर लीजिएगा, या फिर मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहां पे भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं जाके। तो फ्रेंड्स, ये मैं कुछ क्रिसेंथेमम की कटिंग्स ले रही हूँ, और उसको पानी में मैं डिप करके रख दे रही हूँ, ताकि आप कटिंग करते हैं तो जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई ना होने पाए। मैं कटिंग करी, और कटिंग करने के बाद पानी में डिप कर दी उसको। देखिएगा, उसको मैंने मग में डिप करके रखा हुआ है अभी। ये देखिए, मैंने क्ली पॉट लिया है और सैंड है, और ये मग में मैंने कटिंग्स को पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि इसका मॉइस्चर ड्राई ना होने पाए। और अब इसको मुझे कैसे लगाना है वो मैं बताती हूँ। और सैंड को मैंने पहले ही वाटर से गीला कर लिया है। और ये देखिए, मैं सीख से इसमें होल कर दे रही हूँ। और रूटिंग हार्मोन पाउडर है मेरे पास, जिसको कि मैं कटिंग में पहले लगाऊंगी, डिप करूंगी कटिंग को रूटिंग हार्मोन में, फिर उसके बाद मैं कटिंग्स को सैंड में लगा दूंगी। मैं कौन सा रूटिंग हार्मोन यूज़ करती हूँ वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और इसे कटिंग 100% ये रहता है कि ग्रो हो जाता है। ये देखिए, मैं रूटेक्स का नंबर 1 है ये, यही रूटिंग हार्मोन मैं यूज़ करती हूँ। इसे सेमी हार्ड हार्डवुड, सॉफ्ट वुड कटिंग और हार्डवुड, तीनों तरीके की कटिंग्स को आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी वे में ये कटिंग्स इस रूटिंग हार्मोन पाउडर से ग्रो हो जाता है। और अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करना चाहते तो अपने किचन में यूज़ होने वाले दालचीनी के पाउडर से भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कटिंग्स बहुत ईजी वे में ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अब कटिंग्स को कैसे रूटिंग हार्मोन में डिप करूँगी, और डिप करने के बाद मैं सैंड में लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने डिप किया और होल में इस कटिंग को लगा दी। ऐसे ही मैं सारी कटिंग्स को लगाऊंगी। देखिए, मैं अभी आपको 3-4 कटिंग लगा के दिखा दे रही हूँ कि मैंने कैसे कटिंग को लगाया है। ऐसे ही आप लोग भी अपनी क्रिसेंथेमम की कटिंग्स लगा सकते हैं, और इस मौसम में तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए, मैंने डिप किया और ये क्रिसेंथेमम की कटिंग को लगा दिया यहाँ पे। सेम प्रोसेस से आप भी लगाइएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कटिंग्स ग्रो करेगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ इस कटिंग का अपडेट शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने कटिंग सारी लगा ली है, और कुछ ही दिन में इसका पार्ट 2 अपडेट, जो भी अपडेट होगा कटिंग्स की ग्रोथ कैसी है और जो कुछ भी होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।